बहुत बहुत मुबारक है तुम्हारा। ए वाला शॉट भी पिक कीजिए। मैं जाके दादा जी आज आई चलो ओ मीडल में यार कहां है मेरा भी। शुक्रिया अदा करता हूं पार्टी हाईकमान का कि जिन्होंने ये ट्रस्ट किया रोशन हुसैन को, जैसे आज अध्यक्ष का इंचार्ज बनाया है, स्टेट का अध्यक्ष बनाया है एसटी मोर्चा का। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चीफ हमारे रविंद्र रैना साहब का, अशोक कोल जी का, और हमारे जो नेशनल टीम में है इनकलाबी साहब, उनका भी बड़ा योगदान रहा है इसमें, और हमारे जो राज्यसभा एमपी बने हैं हाल ही में गुलाम अली खटाना साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो पार्टी ने उम्मीद की है रोशन हुसैन से, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले समय में, इन्होंने पहले भी मोर्चा में ये रहे हैं जनरल, एज ए जनरल सेक्रेटरी इन्होंने काम किया है, बहुत मेहनत की है, और आने वाले समय में और कशिश से काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में हम सब लोगों को, गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी जो भी हमारे मोर्चा में आते हैं, मोर्चा में ही नहीं बल्कि कोई भी कास्ट हो, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जितना योगदान होगा वो हमारा रहेगा। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी एला क्यादत है रविंदर रैना जी हमारे हैं, श्री अशोक कोल जी और पूरा संगठन है, मैं सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह हमारे मोर्चे में हम लोगों ने काम किया दिन रात, तो उन्होंने उस हमारे काम की कदर की और मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जिसमें स्टेट का मुझे अध्यक्ष बनाया गया एसटी का, जिसमें गुजर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना लोग आते हैं, तो उनका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी ने जो मुझ पे जिम्मेवारी डाली है पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, तो मैं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा काम करूंगा। और जितनी भी मेरी टीम है, जिस तरह जान साहब मेरे साथ हैं, यहाँ हमारे अली गुजर साहब हैं और बाकी साथी जितने भी हैं, सारे लोगों को साथ लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मज़ीद ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे हम। अभी आप एसटी लोगों के लिए क्या खास करेंगे? देखो जिस तरह हमारे इस वक्त सबसे पहले एक इंतशार फैलाया हुआ है हमारी एसटी कम्युनिटी में, हम सबसे पहले हमें अपने लोगों में ट्रस्ट पैदा करना है, एसटी मोर्चा पे लोगों को ट्रस्ट पैदा होना चाहिए कि वाकई ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे और कौम को जो भी संकट होगा एसटी के लिए उसको निकालने में हम भरपूर अपनी कौम के साथ रहेंगे। जी।